दोस्तों एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे सोनू सिंह YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बड़ा ही खास है जिसमें हम बात करेंगे टॉप 25 मैकेनिकल क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि जनरल फिटर, मैकेनिकल फिटर या फिर मैकेनिकल टेक्नीशियन के इंटरव्यू में क्लाइंट द्वारा पूछे जाते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और अंत में वीडियो को शेयर कर दें जिससे हमारे और साथियों की मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और खास सवाल कि हाउ मेनी mm इन 1 inch, यानी कि 1 inch में कितने mm होते हैं। देखिए क्लाइंट कई बार ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ देते हैं और हैरानी की बात है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और याद रखना है। और सही जवाब है 1 inch में 25.4 mm होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE, यानी PPE का मतलब क्या होता है। तो आपको PPE का फुल फॉर्म बता देना है। PPE का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तीसरा क्वेश्चन, मेंशन एट लीस्ट 5 number of PPEs, यानी किसी भी 5 PPE के नाम बताएं। तो सही जवाब है कवरऑल, या फिर इसे बॉयलर सूट भी कहते हैं, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी गॉगल्स, ईयर प्लग, इस प्रकार आपको बता देना है। अच्छा, इसके अलावा आप याद रख सकते हैं और भी कुछ PPEs होते हैं, जैसे नोज मास्क या डस्ट मास्क भी कहते हैं। उसके अलावा H2S गैस मॉनिटर होता है। इसके अलावा फॉलिंग प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी हार्नेस वगैरह भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 5 different types of valves, यानी 5 अलग अलग प्रकार के वाल्व का नाम बताना है। तो आपको किसी भी 5 वाल्व के नाम बता देना है, जैसे गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, बॉल वाल्व, चेक वाल्व या NRV, यानी नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, यानी अलग अलग प्रकार के हीट एक्सचेंजर का नाम बताना है। तो आप बता सकते हैं जैसे फिक्स्ड बंडल टाइप, फ्लोटिंग हेड टाइप, यू ट्यूब बंडल टाइप, प्लेट टाइप, डबल पाइप टाइप, फिन फैन टाइप वगैरह हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्केट, यानी आपसे अलग अलग प्रकार के गैस्केट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो अलग अलग प्रकार के गैस्केट हैं वो है CAF, यानी कंप्रेस्ड एस्बेस्टॉस गैस्केट जिसको कहते हैं। उसके बाद स्पाइरल और मेटालिक गैस्केट होता है, देन RTJ यानी रिंग टाइप ज्वाइंट गैस्केट होता है। उसके बाद PTFE, जिसे पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, जिसे टेफ्लॉन भी कहते हैं, इसका भी यूज किया जाता है। इसके अलावा मेटल जैकेटेड गैस्केट यूज होता है, देन हाई टेम्परेचर के लिए ग्रेफाइट गैस्केट का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कोल्ड वर्क ऑपरेशन व्हाट टाइप्स ऑफ टूल्स विल यूज इन हैजार्डस एरिया, यानी हैजार्डस एरिया में कोल्ड वर्क ऑपरेशन के लिए किस तरह का टूल्स का उपयोग होता है। इसका सही आंसर है नॉन स्पार्केबल टूल्स, यानी वैसे टूल्स उपकरण जिनसे चिंगारी उत्पन्न ना हो। तो उसके लिए ज्यादातर हम लोग ब्रास का टूल्स यूज करते हैं, जैसे हैमर वगैरह यूज करना है या जो भी स्पैनर यूज करना है तो उसमें ब्रास का यूज होता है, जो कि नॉन स्पार्केबल टूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन बोल्ट एंड स्टड बोल्ट, यानी मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर है। सो सिंपल आंसर इज, मशीन बोल्ट हैज अ हेड ऑन वन साइड एंड नट ऑन अनदर साइड, बट स्टड बोल्ट हैज नट ऑन बोथ साइड्स। यानी मशीन बोल्ट में एक तरफ हेड होता है, किसी भी बोल्ट का एक तरफ हेड होता है और दूसरे साइड में नट होता है, जबकि स्टड में ऐसा नहीं है। स्टड में क्या होता है कि दोनों साइड में नट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थंब रूल टू कैलकुलेट द स्पैनर साइज फॉर अ गिवन बोल्ट, यानी किसी भी बोल्ट के स्पैनर का साइज पता करना हो तो किस थंब रूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है 1.5 टाइम्स इनटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट, यानी थंब रूल के हिसाब से स्पैनर का साइज पता करना हो तो उसमें बोल्ट के डाया को 1.5 यानी डेढ़ गुना से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ अ पाइप रिंच, यानी पाइप रिंच का क्या यूज है? सो द आंसर इज टू टाइट एंड लूज थ्रेडेड पाइप फिटिंग्स, वी यूज पाइप रिंच। यानी किसी भी पाइप फिटिंग को लूज और टाइट करने के लिए यूज किया जाता है, फिर भी खासकर जब होस वगैरह का कनेक्शन करना हो या फिर जब हाइड्रो टेस्ट के लिए हम फिटिंग्स वगैरह का कनेक्शन करते हैं तो उस टाइम पर पाइप रिंच का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस्केट विल यूज इन एसिड लाइन, यानी कि एसिड लाइन के लिए किस तरह के गैस्केट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रबर गैस्केट और पीटीएफई गैस्केट्स आर यूज्ड इन एसिड लाइन, यानी कि एसिड लाइन के लिए रबर या फिर पीटीएफई, जिसे पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन कहा जाता था, जिसे हम टेफ्लॉन भी कहते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस्केट विल यूज इन हाई टेम्परेचर लाइन, यानी कि जिस लाइन में हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें किस तरह का गैस्केट यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट गैस्केट्स आर यूज्ड इन हाई टेम्परेचर लाइन, यानी कि हाई टेम्परेचर लाइन में ग्रेफाइट गैस्केट का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस वीडियो को यहीं रोकते हैं और जल्दी अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे इसी प्रकार की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।